छोले बनाने का ये तरीका आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, तो सारे तरीके भूल जाओगे अगर मेरे तरीके से बनाओगे ये छोले। तो छोले भटूरे तो सभी बनाते हैं, छोले हम घर में बनाते ही हैं, वीकेंड्स पर भी छोले हमारे घर में बनते ही रहते हैं। तो आज मैं बिल्कुल मार्केट जैसे छोले की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। पंजाबी छोले हम बनाएंगे, अमृतसरी जो पिंडी छोले होते हैं ना, काले वाले छोले, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। खास मसाले के साथ हम इसको बनाएंगे, घर में बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और इसकी रंगत, इसका टेस्ट मैं आपको क्या बताऊं, इसका जो मसाला है ना, ये इसकी जान है फ्रेंड्स। ये मसाला भी हम घर में बनाएंगे और इसके बाद जो छोले बनेंगे ना, आप अगर एक बार खाएंगे तो उंगलियां चाट जाएंगे। आइए फटाफट से मसाला मैं आपको सबसे पहले सिखा देती हूँ। मसाला बनाने के लिए कोई भी पैन या कढ़ाई लेकर इसमें डालें 2 टेबलस्पून के करीब साबुत धनिया, 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया, 2 बड़ी इलायची डाल दी, 1 चम्मच के करीब सौंफ ऐड करेंगे, 1 चम्मच यहाँ पर काली मिर्च के दाने ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगी 1 तेजपत्ता और इसमें जाएंगी यहाँ पर दालचीनी, 2 से 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल दें, 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें मैंने डाल दी हैं, बहुत ज़्यादा तीखी वाली हैं तो कम ही डालें, और 7 से 8 लौंग डाल दें और 1 जावित्री का फूल डाल दें, साथ ही 4 से 5 यहाँ पर हरी इलायची डाल देंगे। इन सारे मसालों को इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं ना, वैसे तो आप छोले मसाला मार्केट से भी खरीद सकते हैं आराम से, आपको इजीली किसी भी ब्रांड का मिल जाएगा, पर घर का अगर आप ताज़ा मसाला बनाकर छोले बनाएंगे ना तो उसकी बात ही बिल्कुल अलग रहती है, क्योंकि टेस्ट एकदम कमाल आता है। और यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ, जो रेशियो मैंने मसालों का लिया है, उसी तरह से आप एक बार बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएंगे छोले। और इन केस अगर आपके पास नहीं है छोले मसाला, फिर आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं और आप मार्केट से किसी भी ब्रांड का छोले मसाला लाकर 2 चम्मच यूज कर सकते हैं इस रेसिपी में। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, मसाले भुन चुके हैं। अब पैन हमारा गर्म है तो इसमें ही हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब कसूरी मेथी, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, तो 1.5 चम्मच के करीब मैंने कसूरी मेथी डाल दी। तवा गर्म है तो इतने में ही ये भुन जाएगा। अब इन सारे मसालों को ठंडा कर लेंगे, तो एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ ताकि सारे मसाले जल्दी से ठंडे हो जाएं। अब हम क्या करेंगे, इनको डाल देंगे मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में पीसने के लिए। छोटा वाला जार लिया है, साथ ही इसमें जायफल जाएगा, जिसको कि नटमेग भी बोलते हैं, आधा जायफल मैंने इसमें तोड़कर डाल दिया है। साथ ही जाएंगे कुछ सूखे मसाले, जिसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के लिए खटास के लिए डाला है अमचूर पाउडर। और साथ ही हम इसमें एक चीज और ऐड करेंगे जो कि अमृतसरी छोले की जान है, वो है यहाँ पर अनारदाना पाउडर। ये आपको बिल्कुल फ्रेश लेना है, ऐसा नहीं करना है कि अनारदाना बहुत पुराना हो, और अगर आप उससे अगर आप छोले बनाएंगे ना, फिर आपके छोले बढ़िया नहीं बनेंगे। तो 1 चम्मच अनारदाना पाउडर डालकर, ये देखिए पाउडर हमने बना लिया है, ये देखिए पीस लिया इसको, और ये छोले मसाला हमारा तैयार है। इसको ज्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर इस तरह से आप किसी भी कांच के बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए छोले मसाला बन चुका है, इसको साइड में रख देते हैं। दूसरी तरफ देखिए यहां पर छोलों को अब हमें बॉयल करना है। मैंने 2 कप छोले लिए थे, रात भर पानी में भिगो दिया था इसको, और मॉर्निंग में आप देख सकते हैं छोले बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। काबुली चने लिए हुए हैं, और इनको अब हम क्या करेंगे, इसका ये वाला जो पानी है ना, इसको आप हटा दीजिएगा और छोलों को हम कुकर में डाल देंगे। तो छोले में प्रेशर कुक करेंगे हम, तो प्रेशर कुकर में ये देखिए छोले डाल देते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे यहां पर टी बैग्स, यानी कि चाय की पत्ती की पोटली ऐड करेंगे। तो ये टी बैग्स मेरे पास थे 2, तो मैं इसमें डाल रही हूं। साथ ही कुछ खड़े मसाले भी जाएंगे, तो जैसे 4 से 5 लौंग ली है, 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्च के दाने हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 1 तेजपत्ता है, और इस तरह से डाल दिया हमने खड़े मसाले। और 1/4 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे खाने वाला सोडा, और 1/2 चम्मच नमक डालकर हम सारी चीजों को हल्का सा मिक्स करके इसमें डाल देंगे 1 ग्लास के करीब पानी। पानी हमें इतना ऐड करना है कि छोले अच्छे से डूब जाएं, बस इतना ही हमें पानी इसमें ऐड करना है। उसके बाद में ढक्कन लगा देंगे और छोलों में हम 5 से 6 सीटी ले लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं छोलों के थोड़ा सा ऊपर तक पानी आ गया है, बस इतना ही हमने पानी इसमें डालना है। और हमने इसमें टी बैग का यूज किया है, साथ ही बेकिंग सोडा भी ऐड किया है, जिसकी वजह से छोलों का कलर ना थोड़ा ब्लैकिश आएगा, तो वही कलर हमें चाहिए अमृतसरी पिंडी छोले के लिए। यहां पर देखिए छोले बॉयल हो चुके हैं, अब मैं आपको दिखाती हूं इसका कलर। ये देखिए बहुत ही मस्त कलर आया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक से छोले हमारे बने हैं। और जब भी आप छोले की सब्जी बनाए, छोले बना रहे हो ना, छोले मसाला, तो चने बहुत अच्छे से गले हुए होने चाहिए, छोले बहुत अच्छे से गल जाएं, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको इन केस लग रहा हो छोले अच्छे से नहीं बॉयल हुए हैं, तो हल्का सा पानी और डालकर, 1/2 ग्लास पानी डालकर दोबारा आप इसमें 2 से 3 सीटी ले लीजिएगा, लेकिन छोले अच्छे से उबालिएगा। अब यहां पर छोले हम बना रहे हैं, अमृतसरी छोले बनाएंगे, पंजाबी छोले बनाएंगे, तो हम इसको लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे, तभी इसका कलर बहुत ही बढ़िया निकल कर आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा।
तो यहां पर कढ़ाई में मैंने लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब डाला है यहां पर सरसों का तेल। तेल को अच्छे से हीट करके आधी चम्मच जीरा डाल दिया। 2 पिंच के करीब मैंने इसमें हींग ऐड की है। हींग का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो जीरा बहुत अच्छे से चटक चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो मैंने यहां पर 2 मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल फाइनली चॉप करके डाल दिया है। आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं या फिर कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो 2 हरी मिर्च तो मैंने इस तरह से बारीक काट कर डाल दी। साथ ही यहां पर 2 हरी मिर्चों को मैं स्लिट करके इसमें डाल रही हूं। साथ ही इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैं यहां पर लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। आप चाहें तो लहसुन को बारीक बारीक काट कर 10 से 15 लहसुन की कलियां ले लें और उसको बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। ये देखिए अदरक मैंने डाल दिया है, लगभग 3 इंच अदरक का टुकड़ा, और लहसुन का पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे। सबसे पहले इन सारी चीजों को अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा भून जाएगा ना, तो बीच में ही हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आप जब भी छोले बनाएं तो उसमें अगर आप फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए मेरे पास लहसुन का पेस्ट था, तो मैं पेस्ट डाल रही हूँ। फ्रेश डालेंगे तो जैसा मैं कह रही हूँ कि आपका टेस्ट और अच्छा आएगा छोलों का। बिल्कुल फ्रेश फ्रेश कूट कर या पीस कर डालिएगा लहसुन को, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब ये देखिए सारी प्याज को और सारी चीजों को हमने भून लिया अच्छे से। अब इसमें जाएगा टमाटर की प्यूरी। तो मैंने क्या किया, 3 से 4 टमाटर ले लिए मीडियम साइज के, उसकी प्यूरी बना ली और उसको मैंने डाल दिया। आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और ये देखिए इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे। साथ ही इसमें कुछ सूखे मसाले भी जाएंगे, जैसे थोड़ी सी हल्दी भी जाएगी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। तो इस तरह से मसाले बस हमें डालने हैं। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मसाला बनाकर रखा था। देखिए आधी चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, देगी मिर्च ऐड की है, और 1/4 चम्मच ही हमने डाली है इसमें हल्दी। बहुत ज्यादा हल्दी नहीं ऐड करेंगे, और 1 चम्मच नमक डाल दिया। अब इस मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। इसको 2 मिनट हम भूनेंगे ताकि टमाटर अच्छे से भुन जाए और मसाले भी साथ में भुन जाए। ये देखिए तेल छोड़ने लगा है मसाला, तो अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब मसाला, छोले मसाला जो हमने घर पर बनाया था। 2 से 3 चम्मच डाल दीजिएगा। और इसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। 1 कप के करीब पानी डाल दीजिए ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए, और जो भी हम मसाला बना रहे हैं ना, ये जो ग्रेवी बना रहे हैं, तो ये जले ना। तो मसाले में पानी डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा इसको और भून लेंगे। तो मसाला जब तैयार हो जाएगा ना, इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे छोले। हल्का हल्का तेल ऊपर आने लगेगा, इसका मतलब है कि छोले हमारे, छोले के लिए जो ग्रेवी हमने बनाई है, मसाला बनाया है, ये बनकर तैयार हो चुका है। तो आप इसमें उबले हुए छोले डाल दीजिएगा। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स अब हमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। छोले हमारे बहुत अच्छे से गले हुए हैं, हम लोहे की कढ़ाई में बना रहे, तो ऑब्वियसली टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है, कलर भी बहुत ही मस्त आएगा। और हमने जो छोले मसाला घर में बनाया है, उसकी वजह से हमारे छोलों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। शादी पार्टी में भी कुछ इसी तरह से हलवाई लोग बनाते हैं, तो वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शादी वाले छोले भी आप इसको बोल सकते हैं। अमृतसरी पिंडी छोले हैं, जिसको कि आप पूरी के साथ खाइए, कचौड़ी के साथ खाइए, आप प्लेन राइस के साथ खा सकते हैं, जीरा राइस के साथ इंजॉय कीजिए घर में, या फिर पुलाव अगर आपने बनाया है तो उसके साथ भी आप खा सकते हैं। मटर पुलाव के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो विंटर सीजन में एक बार जरूर बना के देखिए इन छोले की रेसिपी को। तो देखिए नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने बढ़ा दिया है, और बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आता है, थोड़ा ब्लैकिश से रहते हैं छोले। और देखिए इसको हम क्या करेंगे, ढक्कन लगाकर लगभग 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे धीमी आंच पर। तो ढककर इस तरह से लो मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कीजिएगा। धीमे धीमे जब छोले पकेंगे ना, और बीच बीच में आप इसको हिलाते रहिएगा ताकि ये जलने ना पाए मसाला। और धीरे धीरे जब हमारे छोले बनते हैं ना, इस तरह से पकते हैं, सारी ग्रेवी अच्छे से जाती है, तो बहुत ही फ्लेवरफुल बनते हैं और बहुत अच्छा इनका कलर भी आता है। थोड़े से ब्लैकिश से ही रहते हैं ये छोले। और अभी इसमें आपको ग्रेवी लग रही होगी, जैसे जैसे ये छोले ठंडे होंगे ना, वैसे वैसे ही गाढ़े हो जाएंगे। अगर आप शुरुआत में ही बहुत ज्यादा छोलों को ना गाढ़ा रखोगे ना, तो क्या होगा कि जब आप खाने बैठोगे ना, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फिर लुगदी सी एकदम हो जाती है। इसलिए इसको थोड़ा सा पतला ही रखें आप स्टार्टिंग में, ठंडे होकर ये गाढ़े हो जाएंगे, क्योंकि छोलों के अंदर भी ना स्टार्च होता है। और अगर आपके छोले बिल्कुल खड़े खड़े हो, तो हल्का सा आप इसको मैश भी कर सकते हैं, और उसके बाद में 2 से 3 मिनट और अच्छे से कुक कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपके अमृतसरी पिंडी छोले बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें खटास भी है, बहुत अच्छा टेस्ट भी है, बहुत ही फ्लेवरफुल है, माउथ वाटरिंग है, और उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देंगे। बिल्कुल ऐसे छोले बनकर तैयार हुए हैं जो कि हलवाई लोग शादी पार्टी में बनाते हैं। आप भी इसको घर में बनाकर जरूर देखिएगा, और मेरे तरीके से एक बार बनाएंगे ना, तो बार बार बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक। थैंक यू, बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गर्मागर्म फूले फूले भटूरे की रेसिपी शेयर करूंगी, किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से घर में आप भटूरे बना सकते हैं। और अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे, तो यकीन मानिए एक एक भटूरा आपका ऐसे ही बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूला फूला बनेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले हमें भटूरे के लिए मैदा लगाकर तैयार करनी होगी। इसके लिए आप कोई भी परात ले लें, कोई बड़ा बर्तन ले लें, और इसमें हमें लेना है 250 ग्राम मैदा। अगर आप कप से नापेंगे तो लगभग 2 कप के करीब मैदा है। तो फ्रेंड्स, भटूरों को बहुत ही ज़्यादा खस्ता करारा बनाने के लिए, साथ ही फूला फूला बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। 50 ग्राम के करीब सूजी ऐड करेंगे। कप से नापेंगे तो 1/4 कप के करीब सूजी है। आप मोटा महीन कोई सा भी सूजी ले सकते हैं, सूजी जिसको कि रवा भी बोलते हैं। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए, और इसके बाद में बीच में हम जगह बना लेंगे ताकि इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड कर सकें। तो देखिए, बीच में मैंने जगह बना ली है, और अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। सबसे पहले तो आप नॉर्मल दही भी ले सकते हैं, और अगर दही आपका हल्का खट्टा होगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो दही भी डाल दिया है मैंने, और अब इसमें हम ऐड करेंगे शुगर और नमक, यानी कि शक्कर और नमक ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच शक्कर डालेंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे इंस्टेंट फर्मेंटेशन के लिए 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर, और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी डालेंगे। ये मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, और अब इसमें हम खाने वाला सोडा डालेंगे 1/4 चम्मच, जिसको कि बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। और इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब हम रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। कोई भी तेल आप इसमें डाल सकते हैं, और सारी चीज़ों को दही के साथ अच्छे से मिला लें। और इसके बाद में इस मिक्सचर को मैदा और सूजी के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें कंबाइन कर लेना है, और इसमें पानी डालकर हम इसका रोटी पराठे जैसा आटा लगाएंगे। आटा बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसको हम ढककर रखेंगे साइड में फर्मेंट होने के लिए। और फर्मेंट होने के बाद आपने देखा है, जो भी मैदा होती है काफ़ी ज़्यादा ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है। तो अगर आप उसको स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा लूज रखेंगे, और जब वो फर्मेंट होके आपको मिलेगी तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा ढीली होगी। तो उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, और उससे भटूरे भी आप बेल नहीं पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप भटूरे बना रहे हो तो उसके लिए जब आप मैदा लगाते हैं तो मैदा माड़ने का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हमें बहुत अच्छे से नीट करना है। इसको कम से कम इस तरह से आटा लगाने के बाद भी आप 5 से 7 मिनट तक ऑयल डालकर मिक्स कीजिए, अच्छे से इसको नीट कीजिए जब तक ये चिकना नहीं हो जाता। आपने देखा, जब आटा लग गया, मैंने इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच अगेन ऑयल डाला ऊपर से, और अच्छे से इसको हमें मलना है, नीट करना है। तो जब आटा बिल्कुल आपको चिकना मिल जाए, 5 से 7 मिनट आप नीट कर सकते हैं, अच्छे से चिकना मिल जाएगा, इसके बाद में इसको ढककर हम रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आधे घंटे के लिए भी ढक सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए साइड में रख दें। समर सीज़न है तो ये 1 घंटे में भी तैयार हो जाएगी, आधे घंटे में भी तैयार हो सकती है। और अगर विंटर सीज़न है तो आप इसको सनलाइट में रख सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखकर आप इसको किसी भी धूप वाली जगह पर रखें, यानी कि धूप के पास रखें, यानी कि इसको गर्माहट मिलनी चाहिए, या फिर आपके घर में जो भी थोड़ी सी वार्म प्लेस हो वहाँ पर आप इसको इस तरह से ढककर रख दें। 2 घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैदा हमारी बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है, इसमें जाली आ चुकी है। तो अगेन इसको हम इस तरह से अच्छे से नीट कर लेंगे एक बार, और इसके बाद में हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो पेड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटे या बड़े रख सकते हैं, जिस हिसाब से आपको भटूरे बनाने हो उस हिसाब से आप रखें। तो देखिए, ये देखिए पेड़े तोड़ने का भी एक खास तरीका है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए, जो हम इस तरह से इसके पेड़े बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपको इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं बनेंगे। मैं दिखा देती हूँ आपको, बाजार में जब आपने हलवाइयों के यहाँ देखा होगा, इस तरह से ही लोई को तोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आते हैं, कहीं भी जोड़ नहीं आता है, जिसकी वजह से हमारे जो भटूरे हैं एकदम गोल गोल फूले फूले बनते हैं। तो अगर आप इस ट्रिक को फॉलो नहीं कर सकते तो उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। आप सिंपली जिस तरह से रोटी पूरी पराठा सभी के लिए आप लोई काटते हैं, लोई बनाते हैं, सिंपली आप वैसे भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखें थोड़ा सा, ये देखिए सारी लोई इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे, और सभी पर मैदा लगाकर हम रखते जाएंगे। आप चाहे तो इस काम को पहले से इस तरह से करके रख सकते हैं, यानी कि सारी लोइयों को बेलकर रख लें, मैदा लगाकर रख लें, और इसके बाद में इसको कपड़े से हम ढक देंगे ताकि ये जो हमारी लोइयां हैं ये सूखे ना। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए। तो अगर आप उस तरह नहीं कर सकते तो इस तरह से आप सिंपली लोइयां कट कर लें, और इसके बाद में ये देखिए इस तरह से बीच से इसको मोड़ते हुए हम एक साइड में सारी लेयर्स को गैदर कर लेंगे, टक कर देंगे इस तरह से। तो देखिए इस प्रोसेस से भी आपको कोई भी जोड़ नहीं मिलेगा, और मैदा लगा देंगे और इसको हम रख देंगे एक पास। तो जब आप इससे भटूरे बनाएंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, तुरंत ही आप बेलकर तुरंत ही इसको सेक सकते हैं। तो अब हम सेकने के लिए ऑयल को गर्म करने भी रख देते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल को, रिफाइंड ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है।
भटूरे तलने के लिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा गरम तेल हमें चाहिए। इसके अलावा जो तेल आप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, यानी कि कढ़ाई में तेल बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, और कम से कम मीडियम हाई फ्लेम पर आप भटूरों को तलें। इस तरह से बेल लें, थोड़ा मोटा ही बेलें अगर आप फूले फूले भटूरे बनाना चाहते हैं तो। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा मोटा बेला है, तो गरम तेल में डाल देंगे, फ्लेम हमारी मीडियम हाई है, और इस तरह से दबाते हुए जहाँ पर ये फूलना स्टार्ट होगा वहीं पर हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे और इसको इस तरह से फ्लिप कर देंगे, टर्न कर देंगे। दूसरी साइड से भी इसको कलर आने तक सेकेंगे। कुछ ही सेकंड में भटूरे सिककर हमारे तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और इस तरह से इसको निकाल लेंगे। तो सारे भटूरे आप इसी तरह से बना सकते हैं, और जिस तरह से मैंने आपको आज सिखाया है वैसे ही अगर आप भटूरे का आटा लगाएंगे, माड़ेंगे, उसको अच्छे से नीट करेंगे, इसके बाद में फर्मेंट होने के लिए रखेंगे, तो आपके भटूरे भी बिल्कुल बाजार जैसे फूले फूले बनेंगे। तो हर एक भटूरा आपका बिल्कुल ऐसे ही गुब्बारे की तरह फूलेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा, अंदर से जालीदार बनेगा। तो आप भी ट्राई कीजिए मेरी इस भटूरे की रेसिपी को, कैसी लगी रेसिपी लिखकर ज़रूर बताएं, और इसको छोलों के साथ आप इंजॉय कीजिए। छोले की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए तैयार है हमारे गर्मा गर्म फूले फूले भटूरे। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखें और बनाने के बाद में फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन विद यू न्यू रेसिपी। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।